सी बी यू यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। जब भी ये लेटर्स या फिर ये टैग किसी भी कार या बाइक के नाम के आगे लग जाते हैं तो उसके प्राइस में ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। आज वैसा ही प्रोडक्ट हमारे साथ सी बी यू रूट से आया हुआ यामा का एक प्रोडक्ट है जो कि है यामा की MT-03। आज हम इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बता दो तो ये बाइक इंडिया में पहली बार लाई गई है। अब CBU और कीमत की बात हमने ऑलरेडी कर ली है तो सबसे पहले इस बाइक का आपको प्राइस ही बता देता हूँ। इस बाइक का प्राइस है 4.6 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब क्या इस प्राइस में ये इस बाइक को लेना वर्दी है या नहीं और क्या क्या फीचर्स इसमें ऑफर होते हैं और बाइक चलाने में आपको कैसी मिलने वाली है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू टाइम्स ड्राइव गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं यामाहा की MT-03 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि बाइक आपको दिखाई कैसी देने वाली है। तो फ्रंट से लुक देखेंगे इसका बिल्कुल शार्प आपको इसके अंदर दिखाई देगा, जैसे कि इसकी सिबलिंग MT-15 में आपको दिखाई देता है वैसा ही लुक आपको इसमें दिखाई देने वाला है। इसका फ्रंट डिज़ाइन आपको काफ़ी शार्प और एजी नज़र आता है। उसके अलावा जो इसमें एडिशनल फीचर्स जो है मिलने वाले हैं वो यहाँ पर आपको ये फेयरिंग जो है एक्स्ट्रा मिलेगी और यहाँ पर एयर इंटेक की जगह इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा दिखाई देने वाली है। बाकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसके अंदर मिल जाएंगे और साथ साथ LED ही इसके अंदर टर्न इंडिकेटर आपको नज़र आने वाले हैं। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फॉक्स नज़र आएंगे और साथ ही इसके ब्रेक्स की बात करें तो 298mm का इसका फ्रंट डिस्क और ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं। फिर अगर साइड की बारे में बात करें तो साइड से जो है मोटरसाइकिल आपको कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। यहाँ पर जो है आपको यामाहा का बैज मिल जाएगा और MT-03 की बैजिंग यहाँ पर आपको नज़र आने वाली है। पूरा ब्लैक्ड आउट इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, 160mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और साथ ही साथ आपको ये सिल्वर फुटपैक्स इसके अंदर मिल जाते हैं और स्प्लिट सीट्स आपको इस मोटरसाइकिल की नज़र आने वाली है। इसकी टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर आपको फुली LED नज़र आते हैं और साथ ही 220mm का इसका रियर डिस्क मिल जाता है और रियर में सस्पेंशन आपको इसके अंदर स्विंग आर्म नज़र आने वाला है। अब अगर इसकी सीट्स के बारे में बात करें तो इसकी सीट हाइट जो आपको मिलती है वो मिलती है 780mm की। एक बार बैठ के देख लेते हैं कि आपको कैसी ये जो फील होने वाली है। वैसे 5 feet 10 inches मेरी हाइट है और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लो ये मुझे फील हो रही है। आपकी हाइट जिस अकॉर्डिंग है आप उस तरह से इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसका जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि आपको फील होने वाला है। 14 लीटर का आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक मिलता है। फिर इसके हैंडल बार पर आते हैं तो हैंडल बार आपको कुछ इस तरह का जो है बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आता है, ज़्यादा वाइड जो है इसके अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पर कुछ स्विचेज़ आपको मिलते हैं, ये है कि इंजन किल स्विच आपको मिलता है, यहाँ पर हैज़ार्ड का स्विच जो है मिल जाता है और यहाँ पर देखते हैं तो पासिंग का स्विच और साथ ही साथ हाई बीम लो बीम और यहाँ पर हॉर्न का स्विच जो है थोड़ा सा डिफरेंटली प्लेस्ड आपको यहाँ पर जो है नज़र आने वाला है। फिर अगर इसकी स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको LCD स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और साथ ही इसके अंदर ट्रिप मीटर 1, ट्रिप मीटर 2 यही सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाने वाली हैं। कोई भी फीचर्स अगर आप अलग इससे चाह रहे हैं, इस स्क्रीन से चाह रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो वो इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। सो ये सारी बातें हुई इस मोटरसाइकिल के बारे में कि आपको देखने में कैसी मिलने वाली, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। अब ये चलाने में कैसी फील होती है उसके बारे में बात करते हैं, लेट्स गो। तो वहां पर भी आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करने वाला है। बाकी आप अगर इसमें RPM रखते हैं 5000 और गियर रखते हैं 6th, बाइक कितना स्मूथली परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देगी कि आपको इस इंजन से डेफिनेटली प्यार हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप इस इंजन के RPM को बढ़ाते हैं आपको इस इंजन की असली पावर फील होने लग जाएगी। तो ये तो मेनली हुई अगर हाईवे पर अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पे आप इंजन को रेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिटी में इसको चला रहे हैं तो एक मेन कंसर्न जो आता है वो आता है इंजन हीटिंग का। तो इंजन हीटिंग इसमें ऐसा आपको कोई
दिक्कत नहीं देगी। अगर इंजन हीटिंग की बात करें तो इंजन हीटिंग आपको इसके अंदर उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली है। अगर पावर की बात करें तो वो आपको इसके अंदर एक लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती हुई फील होगी। ये तो ही इंजन की बातें, अब बात कर लेते हैं इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में। तो राइडिंग पोस्चर आपको इसके अंदर ना ही तो पूरी तरह से स्ट्रेट मिलेगा और ना ही पूरी तरह से इसके अंदर लीन पोजीशन मिलेगी। तो इसके अंदर आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन जो है इसके अंदर मिल जाती है। हैंडल बार इसके देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसके अंदर नजर आने वाला है, और साथ ही इसकी अर्गोनॉमिक्स देखेंगे, अर्गोनॉमिक्स भी आपको इस मोटरसाइकिल से अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट हाइट इसकी 780 mm की है, थोड़ी सी लो आपको फील होगी, लेकिन अगर इसकी सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट इसके अंदर आपको, अगर आप शॉर्ट राइड करते हैं तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अगर आप लॉन्ग भी राइड करते हैं तो आपको जल्दी से ये सीट्स इसके अंदर नहीं थकाने वाली हैं। फिर अगर मैं बात करूं सस्पेंशन सेटअप की, तो सस्पेंशन सेटअप इसके अंदर मेरे को दोनों ही थोड़े से स्टिफ लगे। फ्रंट में USD फॉक्स इसके अंदर दिए गए हैं और रियर में इसके अंदर स्विंग आर्म दिया गया है, तो दोनों ही सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ मेरे को लगे जब मैंने इसको सिटी में चलाया। वहाँ पर जो गड्ढे थे, मतलब लो स्पीड पे भी ये थोड़े से स्टिफ लगे। फिर अगर ब्रेक्स की बात करें तो ड्यूल चैनल ABS इसके अंदर दिया गया है। ब्रेक्स वैसे आपको बखूबी काम करते हुए नजर आएंगे अगर आप एक लो स्पीड पे चल रहे हैं, और अगर हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो आई विश थोड़े से और अगर इसके अंदर क्रिस्प ब्रेक दिए होते तो और ज़्यादा एडिशन इस बाइक के ब्रेक्स में हो जाता। फिर अंत में वही बात आती है कि क्या इतना प्राइस इस बाइक के लिए देना वर्दी है या नहीं। वेल, अगर देखा जाए तो इसकी फिट एंड फिनिश को लेकर आपको इस बाइक में कोई भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही फिर बात आती है 4.5 to 5 lakh रुपीज़ अगर आप एक बाइक पे स्पेंड कर रहे हैं तो मार्केट में आपके लिए बहुत से ऑप्शन जो है खुल जाते हैं, जैसे कि आप रॉयल एनफील्ड की हायर CC की मोटरसाइकिल की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अप्रीलिया RS 457, KTM की RC 390 या KTM की Duke 390 आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक BMW का टैग चाहते हैं तो BMW की भी 3 बाइक इससे कम प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रू यामाहा फैन हैं और अपनी बाइक के इंजन से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, फिट एंड फिनिश से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, और आप इतना अमाउंट एक बाइक के लिए दे सकते हैं, तो डेफिनेटली ये बाइक आप ही के लिए बनी है। सो ये सब बातें हुई इस मोटरसाइकिल के बारे में। क्या थॉट्स हैं आपके इस MT03 के बारे में, प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम्स लाइव को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।